कुछ भी कहो यार, जैम स्ट्रीट में पूरा एकदम धूम मचा हुआ है। ये देखो लड़की एक पहाड़ पे चढ़ रही है, सो कॉल्ड पहाड़ पे, और ये देखो छोटे बच्चे कितना एकदम अच्छे तरह से स्केटिंग अभी कर रहे हैं, एकदम खतरनाक। यहाँ पर अभी जरा शैडो प्रैक्टिस होता हुआ बॉक्सिंग का एकदम। कितना खूबसूरत एकदम अभी पेंटिंग किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत। और ये देखो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर वगैरह तैयार हो रहा है जो कि काफी यूनिक सा लग रहा है देखने में। तो हेलो फ्रेंड, दिस इज आसिस एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल जमशेदपुरिया नासिस। आवाज अभी थोड़ा डाउन है बिकॉज अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ, नींद काफी ज्यादा आ रहा है बिकॉज अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। लाइट वगैरह घर का जला है तो दिस रीज़न आपको अभी थोड़ा सा लाइट कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। आज जमशेदपुर में ऑलमोस्ट 2 साल बाद में जैम स्ट्रीट लगने वाला है, 2 साल बाद बिष्टुपुर के सड़कों पर, जो कि काफ़ी मतलब ज़बरदस्त तरीके से लगता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं जमशेदपुर का वो रंग भी। तो बिना टाइम पास के लिए चलिए हम लोग चलते हैं, तब तक लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दो। सुबह के 6 बज चुके हैं और सूरज दादा भी उग चुके हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हो, और हम लोग बिष्टुपुर में पहुंच चुके हैं। और यहां पर टाटा बाबा को प्रणाम करते हुए मैं आपको दिखाता हूं जमशेदपुर का, बिष्टुपुर का ये सीन, जो कि एकदम सुबह सुबह 6 बजे इतना भीड़ कभी नहीं लगता है। आज काफ़ी ज़्यादा स्पेशल डे है, 2 साल के बाद में ये फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है फिर से, जो कि हर सप्ताह जमशेदपुर में पहले हुआ करता था, जिसको कि बोला जाता है जैम स्ट्रीट। जमशेदपुर में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है आज हमें। 2018 के बाद में 2 साल बाद अप्रोक्सी है जैम स्ट्रीट लग रहा है, 2 साल के बाद में, तो भीड़ देख लो आप लोग। यहाँ पर बेसिकली नोट को सेल किया जा रहा है, ऐसा नोट को जो कि टाटा सन्स के जो फाउंडर हैं, मेंबर्स हैं, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है और नोट का जो नंबर है वो लगभग मैच कर रहा है, लगभग एकदम मैच कर रहा है। तो आप लोग सुनो ये लोग आखिरकार बोल क्या रहे हैं। जितना टाटा सन्स का चेयरमैन हुआ है उसका डेट ऑफ बर्थ और नोट का नंबर लगभग देख लीजिए, 3/3/1839 है, डेट नोट का नंबर भी सेम 1839 उनका डेट ऑफ बर्थ। टाटा सन्स का जितना भी चेयरमैन है उसका डेट ऑफ बर्थ और नोट का नंबर सेम है। टाटा सन्स का जितना भी चेयरमैन हुआ उसका डेट ऑफ बर्थ और नोट का नंबर। यहाँ पर बेसिकली कुछ लॉटरी वगैरह के बारे में समझाया जा रहा है, लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा है तो हम लोग आगे चलते हैं। और एक स्टॉल छोड़ करके जस्ट ये बगल वाले स्टॉल में काफ़ी बढ़िया बढ़िया पेंटर्स बैठे हुए हैं, तो जरा देखते हैं सामने जाकर के ये लोग आखिरकार बना क्या रहे हैं, किस तरह का पेंटिंग ये लोग बना रहे हैं। आई डोंट नो आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो पेंटिंग बन रहा है, जो आँख का जो एक तस्वीर बनाया जा रहा है, ये यार नेक्स्ट लेवल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार पेंसिल से नहीं बनाया जा रहा है, कुछ अलग ही मशीन से बनाया गया है, एकदम ओरिजिनल लग रहा है, एकदम ओरिजिनल। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के बीच में शायद कुछ कंपटीशन हो रहा है कि कौन बेहतर पेंटिंग कर बना सकता है। देखो सेम डिज़ाइन वहाँ भी बन रहा था और सेम डिज़ाइन यहाँ भी बन रहा है, जस्ट उसके बगल वाले स्टॉल में भी। तो ये तो मुझे यार और भी ज़्यादा नेचुरल लग रहा है देखने में, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और यहाँ पर जो बेसिकली आप पेंटिंग वगैरह देख रहे हो, यहाँ पर पत्ते के ऊपर में फेस को मतलब उतारा जा रहा है, तराशा जा रहा है। देखो रतन टाटा सर हैं, उनके फेस को यहाँ पर तराशा जा रहा है और लगभग इन्होंने यार कर ही भी दिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर मैं आपको बीच बीच में कुछ पेंटिंग्स वगैरह में दिखाता रहूँगा। ये देखो रतन टाटा सर फूल की माला चढ़ा रहे हैं जमशेद जी नसरवान जी टाटा को, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर वैसे मेरा दो चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, पहला ये योगा, और एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मेरा क्या फेवरेट है, बिकॉज मैं योगा करते रहता हूँ और योगा सबको करना चाहिए यार, फिट रहता है बॉडी। और ये देखो कुछ मैं आपको पोजेज ज़रा मैं दिखाता हूँ, ये लोग काफ़ी हार्ड पोज कर रहे हैं, और ज़रा जूम वगैरह करके दिखाया जाए
आप लोग देखो, इंजॉय करो यार, इंजॉय करो, फील करो, यहाँ का साउंड का फील करो। इसलिए मैं कोई म्यूज़िक वगैरह ज़्यादा मैं नहीं जोड़ रहा हूँ आप लोगों को। म्यूज़िक जोड़ दूंगा तो यार तो सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक ही आपको सुनाई देगा। यहाँ का आप लोग भीड़ का फील करो। यहाँ पर बेसिकली जगह जगह स्ट्रीट डांस हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। एकदम लोग एकदम फुल ऑफ मस्ती में, एकदम मस्ती में। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर स्टैचू का प्रिपरेशन हो रहा है। अभी जब ये स्टैचू जब पूरा तरीके से बन जाएगा तो क्या खूबसूरत लगेगा, अभी जब इतना खूबसूरत लग रहा है तो। बेसिकली ये जो डांस है वो काफ़ी ज़्यादा फनी मुझे लग रहा है, सो दिस रीज़न मुझे यहाँ पर थोड़ा सा हंसी भी आ रहा है देख करके। तो आप लोग भी इंजॉय लो इस फनी से डांस का। और यहाँ पर जो झारखंड के जो मूल निवासी हैं, जैसे कि आदिवासी समाज जो है, झारखंडी समाज, उनका यहाँ पर कल्चर को प्रदर्शित किया जा रहा है एक पेंटिंग के द्वारा। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मैं इतना अच्छा से तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का जितना मुझसे हो सके। आप लोगों को मैं भी हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा, जानवर हैं, हिरन है, देख ही सकते हो आप लोग, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखो डांस का काफ़ी एकदम खतरनाक से डीजे वगैरह लगा हुआ है। अभी अनाउंसमेंट चल रहा है तो सुनो यहाँ पर क्या क्या बोला जा रहा है। वैसे अगर सीधा सीधी बोला जा रहा है कि लोगों को हटाया जा रहा है, बिकॉज जब लोग एकदम घुस जाएंगे सामने में तो बंदा यार बंदी डांस कैसे करेगा। तो देखा जाए हल्का फुल्का डांस, एक बच्चे को काफ़ी ज़्यादा लोग प्रेरित कर रहे हैं डांस करने के लिए, बच्चे को जरा देखा जाए कैसा डांस होता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि लोग यार सुबह सुबह 6 बजे उठ करके इतनी भारी संख्या में जुटे हुए हैं यार। और यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, कौन कितना बार इस तरीके से ये जो प्लेट है उसे उठा सकता है, कितना बार उठा सकता है।
और ये भाई साहब तो पूरा एकदम लगे हुए हैं काफ़ी देर से और एकदम पूरा चेयर अप किया जा रहा है इन्हें, देखा जाए कितना बार ये उठाते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, मैं आपको उतना अच्छा से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ बिकॉज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और आप लोग देख सकते हो पूरा खचा खच लोग एकदम भरे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ टीम का एकदम फनी सा गेम होता हुआ जो कि काफ़ी फनी लग रहा है देखने में, आप लोग भी देख के एंजॉय करो। और यहाँ पर कौन कितना बढ़िया बंदरों की तरह चढ़ सकता है दीवार पे, उसका एक कंपटीशन हो रहा है, जरा देखा जाए कौन भाई चढ़ पाता है। और यहाँ पर जमशेदपुर FC का एक छोटा सा लगा हुआ है बैनर, और इसी बैनर के सामने में यहाँ पर लोग अपना आ करके फुटबॉल से एंजॉय करते हुए जैसा कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर सस्ते आपको लियोनेल मेस्सी, रोनाल्डो, बाईचुंग भूटिया जैसे सस्ते सस्ते आपको प्लेयर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जस्ट फॉर फन, यार मजाक कर रहा हूँ। जिस हिसाब से यहाँ पर भीड़ है ना, अगर ये घोड़ा पगला गया ना यार, ये लोगों का एकदम यार यहाँ पर बैंड बजा देगा अगल बगल, इसलिए मैं इससे थोड़ा मैं दूर ही हूँ। और क्योंकि ये घोड़ा मुझे घोड़ा जो है ये थोड़ा गुस्सा होने का मूड में भी है अब लग रहा धीरे धीरे, तो ज़रा इससे दूर ही रहा गया। बहुत खतरनाक तरफ का कर्तव्य हो रहा है क्या, फुल इंजॉयमेंट, फुल इंजॉयमेंट, फुल इंजॉयमेंट है। और ये रही मेरी यहाँ पर सेकंड फेवरेट चीज़, जो कि मैंने आपको वीडियो के पहले में ही कहा था कि मुझे यहाँ पर दो चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है, पहला योगा, दूसरा ये बॉक्सिंग। बॉक्सिंग इसलिए बिकॉज मैं अपने स्कूल के दिनों में मैं बॉक्सिंग वगैरह किया करता था, काफ़ी ज़्यादा हम लोग कुछ सीखने को मिला है बॉक्सिंग से। कॉन्फिडेंट लेवल हाई होता है आपका, भले आपके सामने वाला अपोनेंट कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन बॉक्सिंग में हमें यह सिखाया जाता है कि कभी डरना नहीं चाहिए, हमेशा स्ट्रांग बन के खड़े रहो अपने अपोनेंट के सामने में। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि लड़के लड़कियाँ दोनों अभी कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यार, लड़कियों को तो डांस वगैरह जो भी करना है करो, लेकिन यार एक सेल्फ डिफेंस तो आपको ज़रूर सीख करके रखना चाहिए इन दिनों में। सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी बोल रहा हूँ, बिकॉज जैसा आजकल का सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ये है। तो दोस्तों अब आपसे मिला जाए एक और धमाकेदार व्लॉग में, क्योंकि अब ये जो इवेंट है मैंने इसे पूरा तरह से कैप्चर कर लिया है, लगभग हर चीज़ मैंने आपको दिखा दिया है, और अब कुछ यहाँ पर कुछ खास दिखाने के लिए है नहीं, बिकॉज़ आगे मैं पुलिस की बैरिकेटिंग ही आपको देखने को मिलेगी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो फटाफट से इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं और आपसे फटाफट से बोलते हैं कि यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, मिलते हैं बहुत जल्दी फिर से।